नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिकतम महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के पेपर्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और आज के अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 डिग्री कोर्स में, जो 9th सेमेस्टर का आपका पहला पेपर है, प्रोफेशनल एथिक्स का और कोर्ट क्राफ्ट का। प्रोफेशनल एथिक्स का और कोर्ट क्राफ्ट का जो आपका ये पेपर है, इसकी जो 4 यूनिट है, सबसे पहले एक बार हम उसको अगर देख लें तो पहली यूनिट आपकी लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड है। लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड इस टॉपिक में जो लीगल प्रोफेशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इंडिया में, उसके बारे में है। स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब जो राज्यों के अंदर बार काउंसिल है और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गठन, फंक्शन मीन्स उसके कर्तव्य कार्य, पावर उसकी शक्तियों के बारे में उसकी विवेचना करनी है। और बाद में एडवोकेट्स के एडमिशन और एनरोलमेंट के बारे में है कि कैसे एक वकील, कैसे एक जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जैसे आप अगर पास जब इस बार होंगे तो जैसे अगले वर्ष में आप करवाएंगे, अपना एनरोलमेंट करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके विषय में है। दूसरी यूनिट आपकी प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर के, प्रोफेशनल एथिक्स की हिंदी कहें तो वृत्तिक आचार, कि कैसे आपको इस पेशे में रहते हुए कैसे अपने प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं उसको फॉलो करना है, कैसे आचार विचार आपके कैसे होने चाहिए, आपका मैनर, आपका काम करने का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। उसके अंतर्गत प्रोफेशनल एथिक्स एंड एडवोकेसी को लेकर के बात है, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल को लेकर बात है, कंडक्ट एंड एटिक्वेट को लेकर बात है, इंटरेस्ट और ड्यूटी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आता है उसको लेकर के है, और जो एक वकील, एक अधिवक्ता की ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट है, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट है, ड्यूटी टुवर्ड्स अपोनेंट है, ड्यूटी टुवर्ड्स कलीग है, उसको लेकर के बात है, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड ऑब्लिगेशन टू रेंडर लीगल एड है। तीसरी यूनिट आपकी बार बेंच रिलेशनशिप को लेकर के है, कि बार और बेंच के बीच में कैसे एक सुखद समन्वय होना चाहिए, कैसे एक स्वस्थ समन्वय होना चाहिए, और उसके अंदर रेसिप्रोकेरिटी एज पार्टनर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आप जब पढ़ते हैं ये प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि जो वकील है, जो एडवोकेट है, वो भी एक तरीके से ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, तो बींग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कैसे वो पार्टनर है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट्स के राइट्स और प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के 1966 के रूल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1952 के रूल्स, और रिलेटिंग टू एडवोकेट एंड कोर्ट्स जो प्रोविजन है उसको लेकर के बात है। और चौथी यूनिट पूरी की पूरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को लेकर के है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत कैसे डेवलपमेंट हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का कैसे उसके ऑब्जेक्ट और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के सवाल है, उसकी संवैधानिकता को लेकर के, कितने प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इस प्रकार के, और अगर जजेस के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, लॉयर्स के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कंटेम्प्ट होगा तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कॉग्निजेंस कैसे लेना है, प्रोसीजर क्या है, अपीलेट प्रोविजन कैसे है। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोफेशनल एथिक्स का, बार काउंसिल का और स्टेट बार काउंसिल का और कोर्ट क्राफ्ट का आपका पूरा का पूरा पेपर है। अब अगर बात करें एक एक करके सवालों की, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सबसे पहला सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब वृत्तिक जो आचार है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अधिवक्ता के पेशे में कई सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जो आपको पता चलती हैं, आप चाहें तो उसको दुरुपयोग करके सामने वाले पक्ष का नुकसान करा सकते हैं, या कई सारी आपको ऐसी कमजोरी कहें तो किसी व्यक्ति के पता चल जाती है, या किसी व्यक्ति के ऐसे क्लूज पता चल जाते हैं जिसको आप उसको गलत तरीके से यूज करके उसका अनुचित लाभ ले सकते हैं। तो कैसे किसी अधिवक्ता को प्रोफेशनल, उसकी प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताया गया है, तो एक सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल एथिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, प्रोफेशनल एथिक्स की नीड्स क्या क्या है। और जब प्रोफेशनल एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नीड की, तो वहीं से एक सवाल उत्पन्न होता है कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर एक अधिवक्ता ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो होगा मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का सवाल भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो डिटेल में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को पढ़ करके आइएगा। उसके बाद आप, मुझे लगता है सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, जिस समय फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे, उस समय आपको बार बेंच रिलेशनशिप पर एक ऐसे लिखने के लिए भी आया होगा। तो बार बेंच की जो रिलेशनशिप है, जो बार बेंच का सौहार्दपूर्ण सुखद सामंजस्य एक स्थापित होने की बात की गई है, तो बार बेंच के रिलेशनशिप के एक निबंधात्मक प्रस्तुत के लिए तैयार रहिएगा, वो बिल्कुल आना ही आना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विषय में पढ़ लीजिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पावर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कौन लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत होते हैं, कैसे उसका चुनाव होता है, इस प्रकार की बातें। उसके बाद हम बात करें तो जो ड्यूटी हैं और राइट्स हैं एडवोकेट के, एक एडवोकेट के पास, एक अधिवक्ता के पास क्या ड्यूटीज़ हैं और उसके क्या कर्तव्य हैं और क्या राइट हैं, वहाँ पर आप 7 लैंप ऑफ एडवोकेसी पढ़ते हैं। 7 लैंप्स बताए गए हैं, मतलब 7 गुण बताए गए हैं एक अच्छे विद्वान सम्रांत अधिवक्ता के, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा।
और जब ड्यूटीज पढ़िए तो ड्यूटीज उनकी टुवर्ड्स एवरीवन पढ़िए, उनकी ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट क्या है, उनकी ड्यूटी टुवर्ड्स कलीग क्या है, उनकी ड्यूटी टुवर्ड्स बेंच क्या है, उनकी ड्यूटी टुवर्ड्स अपोनेंट क्या है, टू सोसाइटी क्या है, सारी की सारी जो उनकी ड्यूटीज हैं उसको पढ़िएगा। और साथ में एक एक शॉर्ट नोट के लिए भी पढ़ के आइएगा कि जो एडवोकेट का जो प्रोसीजर है एनरोलमेंट का, कि कैसे उनका एनरोलमेंट का प्रोसीजर है। सामान्य सी बात है, जिस समय आपका पहली बार आप लॉ ग्रेजुएट करके पास होते हो, खैर बहुत लोग पहले से एडवोकेट लिखवा के रखते हैं, लेकिन जो लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल के अंदर पंजीकृत हो पाते हैं, एनरोलमेंट जिनका होता है अधिवक्ता, वही लिखने के योग्य होते हैं। उसके बाद AIB का एग्जाम वगैरह होता है, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। उसके बाद चौथी यूनिट से आपके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत जरूरी है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप टाइप्स जरूर पढ़ लीजिएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रकार कौन कौन से हैं, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, और जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसका पनिशमेंट भी बेहद जरूरी है वो आपके लिए, उसको पढ़ करके आइएगा। स्टेट जब आप पावर फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पढ़िएगा। स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी को लेकर के सवाल आने की उम्मीद है, तो प्रयास करिएगा कि स्टेट की जो बार काउंसिल है उसके अंतर्गत किस प्रकार से मसलों की सुनवाई के लिए एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, कि किस प्रकार से वो अनुशासनात्मक एक चाबुक चलाएगी, उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। और वो कैसे जो उनके पास कंप्लेन आती है, जो उनके पास शिकायतें दर्ज होती हैं कमेटी के समक्ष, उसको कैसे निस्तारित करते हैं, उसका निस्तारण कैसे होता है, उसको वो कैसे उस ग्रीवांस को कैसे रिड्रेस करते हैं, रिड्रेसल उसका होता है, वो जरूर पढ़ करके आइएगा। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हमने बात करी, और जहां पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ रहे हैं वहां पर ये भी देखिए कि जो जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, या क्या वो भी किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर जज के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा हो गया है, तो उसका जुरिसडिक्शन, उसका क्षेत्राधिकार किसके पास है कि उसकी सुनवाई कर सके, और वहां से रिलेटेड केस लॉज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो उसको पढ़ करके आइएगा। उसके बाद अगर लीगल प्रोफेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, और लीगल प्रोफेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, तो जाहिर सी बात है विधि का और समाज का एक सिक्के के दो पहलू जैसा संबंध है। तो जब विधि का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके माध्यम से समाज का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी देखना है कि विधि की क्या उपयोगिता रही है, विधि की क्या यूटिलिटी रही है समाज के ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अगर दोबारा से कहें तो एक बार तो बार बेंच रिलेशनशिप आपके लिए बहुत जरूरी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरा पावर फंक्शन, जुरिसडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन सब बहुत जरूरी है आपके लिए। स्टेट बार काउंसिल में आपके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी, और डिसिप्लिनरी कमेटी के काम करने का ढंग, कैसे वो कंप्लेन को रिसीव करते हैं, कैसे उस कंप्लेन का कॉग्निजेंस लेते हैं, और कैसे उस पर सुनवाई करते हैं, उसका निस्तारण कैसे करते हैं, इस प्रकार के सवाल आपके लिए जरूरी है। एडवोकेट का जो प्रोसीजर है एनरोलमेंट का, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एडवोकेट की जो ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, बहुत जरूरी हैं। और एडवोकेट की जो ड्यूटी जब आप पढ़ रहे हैं, तो विशेष सेवल नेम ऑफ एडवोकेसीज को पढ़िए, और उनकी ड्यूटीज टुवर्ड्स एवरीवन पढ़िए, ड्यूटी टुवर्ड्स एवरीवन जो आपके सेगमेंट कई सारे दिए हुए हैं, ड्यूटी टुवर्ड्स अपोनेंट, कलीग, मैंने पहले बताया। प्रोफेशनल एथिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी जरूरत क्या थी, एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के, उसकी संवैधानिकता को लेकर के, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो अधिनियम है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के। और जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर केस लॉज आपके लिए बहुत जरूरी है, और आपको ये भी देखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के इंक्रोचमेंट के आधार पर, किस आर्टिकल के वायोलेशन के आधार पर चुनौती दी गई थी, आखिर कौन सा ऐसा आर्टिकल था, आखिर कौन सा ऐसा अनुच्छेद था जिसमें और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो मुझे लगता है ये आपके लिए एरिया है जहां से सवाल आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डिटेल में पढ़ करके आइएगा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है, और कौन से कृत्यों को, कौन से कामों को कहा जाएगा कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है एक अधिवक्ता के पेशे के हिसाब से। बाकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लीगल प्रोफेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की बातें, प्रोफेशनल एथिक्स की बात, मिसकंडक्ट की बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात, इतना पर्याप्त है। इतने से आपके लिए मुझे लगता है लगभग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, और आपको 5 से कहीं अधिक सवाल आपको आ रहे होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अंतिम वर्ष के सभी भाई बहनों को, और जो आपका नया वीडियो अगले विषय का होगा उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।